नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर छोड़ा वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये है हमारे टेक न्यूज के 37 एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर छोड़ा वीडियो यूट्यूब चैनल के 37 टेक न्यूज एपिसोड को। दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो LG की तरफ से आ रही। दोस्तों LG ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस LG V30 Plus को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस रखी है उन्होंने करीब करीब 45,000 रुपए, यानी 44,990 रुपए। दोस्तों प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें प्राइस तो अच्छा खासा है ही, और लॉन्च इवेंट ने उन्होंने कुछ ऑफर भी दे रहे हैं LG V30 Plus में। दोस्तों ऑफर के साथ साथ आपको जो इसका वायरलेस चार्जर है वो फ्री में मिल जाएगा, वो करीब करीब 3,000 रुपए का है, और साथ ही साथ वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट जिसकी प्राइस अप्रॉक्स 12,000 पड़ती है वो आपको मुफ्त मिलेगी। दोस्तों आप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको 45,000 के हिसाब से अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835, 6 इंच की डिस्प्ले है, क्वाड एचडी डिस्प्ले, पिक्सल डेंसिटी 537। दोस्तों आपको ओलेड पैनल, IP68 रेटिंग है, एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है। डुअल कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिलता है, 16+13 MP का अपर्चर F1.6 की है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट कर लेता है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन देखने को है, फ्लैगशिप जैसा ही सारे स्पेसिफिकेशन है। और आप खरीदना चाहते हैं तो 18 दिसंबर से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, 18 दिसंबर से ओपन सेल के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो एयरटेल की तरफ से आ रही है। दोस्तों एयरटेल का जो हॉटस्पॉट था उसकी प्राइस थी करीब करीब 1500 रुपया, लेकिन एयरटेल ने इसकी प्राइस को कम कर दिया, अब ये 999 रुपये में उपलब्ध है खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ से इसका सीधा टक्कर है JioFi से। JioFi भी करीब करीब आपको 999 रुपये में खरीदने को उपलब्ध है। JioFi का बड़ा वाला वर्जन 2 वर्जन, JioFi 2 भी शायद आ चुका है वो वाला। लेकिन दोस्तों अगर आपको खरीदना है एयरटेल का हॉटस्पॉट, अगर आपके एरिया में अच्छा नेटवर्क है एयरटेल का, तो आप एयरटेल का 4G हॉटस्पॉट को मात्र 999 रुपये में कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो आ रही है पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक ने अपना इलुगा i9 को इंडिया में आज पेश कर दिया। दोस्तों आज दिन है बुधवार का, आज ही इलुगा i9 इंडिया में पेश किया गया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस उन्होंने रखी है करीब करीब 7,499 रुपए, यानी 7500। दोस्तों प्राइस के हिसाब से आपको ठीक सा स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलता। दोस्तों अगर आप खरीदना है तो 15 दिसंबर से आप इसे खरीद सकते हैं। इसकी सेल एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगी। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको देखने को मिलता है 5 इंच का HD डिस्प्ले और साथ ही साथ 3 GB की रैम। दोस्तों यहाँ पे सबसे घटिया फीचर ये है कि इसमें आपको देखने को मिलता है MediaTek का 6737 प्रोसेसर, 13 MP का कैमरा, 25 mAh की एक लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। बस यही है कुछ इसके स्पेसिफिकेशन। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो OnePlus की तरफ से आ रही है। आपको OnePlus 5 में ऑक्सीजन OS 4.5.15 का अपडेट देखने को मिला है। दोस्तों इस अपडेट के माध्यम से आपका सिक्योरिटी पैच लेवल लेटेस्ट हो जाएगा, और कुछ बग थे उसे फिक्स कर दिया गया है, और साथ ही साथ GPS में कुछ इंप्रूवमेंट आई है। दोस्तों अगर आपके पास OnePlus 5 डिवाइस है तो आप ऑक्सीजन OS 4.5.15 को अपने डिवाइस में अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की ओर से आ रही है। दोस्तों एक खबर ऐसी निकल के आई है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि आपको अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S9 में। दोस्तों ऐसा काम में तो वीवो ने पहले ही कर दिया था, लेकिन दोस्तों वो क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी थी, वीवो ने क्वालकॉम से लेके मतलब पार्टनरशिप करके ऐसा किया था। वीवो खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी वो वीवो की, लेकिन सैमसंग खुद की टेक्नोलॉजी ला रहा है, वो जनवरी में पेश हो सकता है। दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है कि उसमें अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, ऐसी लीक्स निकल के आई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल की तरफ से आ रही है। दोस्तों एप्पल ने इंडिया में 17% का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है, जो 6 साल में धीमी है। दोस्तों हाल में आईफोन ने अपने 8 और 8 प्लस को लॉन्च किया था, जो आईफोन 7 और 7 प्लस के जैसे ही थे, उन्होंने कुछ नया नहीं किया था। खैर दोस्तों उनको लॉन्च करना था आईफोन X, तो वो कुछ नया करते भी क्यों आईफोन 8 में और आईफोन 8 प्लस में। खैर एप्पल है दोस्तों, ये कुछ भी करता है बिकता ही है, कितना भी प्राइस रखते हैं बिकता ही। दोस्तों आज की अंतिम खबर की बात करें तो चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सौमी की ओर से आ रही है। दोस्तों सौमी का जो एंड्रॉइड बन पर चलने वाला डिवाइस था सौमी मी A1, उसमें तो कंफर्म था कि आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो का अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो बीटा वर्जन में उपलब्ध हो गया है। अगर आपके पास मी A1 है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी तो सलाह ये होगी दोस्तों स्टेबल का इंतजार करें। जैसे स्टेबल आपको मिल जाएगा वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा एंड्रॉइड 8.0 ओरियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ओर से दिए गए टेक न्यूज़ का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः प्रसारित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।